आप बेरोजगार हो क्या, यहाँ घूम रहे हो तो प्राइवेट नौकरी कहाँ है? एक प्राइवेट नौकरी आप जाके अप्लाई करो, आपको नहीं मिल रही तो आप में कमी होगी। आज इनमें टैलेंट है तो ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप में अगर काबिलियत नहीं है तो आप दोष मत दो। आप बताइए सर, इनके लिए बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी ये मॉडल जो है अब कहीं ना कहीं बिहार में को भी अपनाने की जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि बिहार का युवा जो है आज पिट रहा है। ये अतीक अहमद किसने पाला हुआ है, अंसारी किसने पाला हुआ है, किसकी दौरान में ये मंत्री एमएलए रहे, किसकी सरकार में, इन्हीं की सरकार में उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये डर जरूरी था जो 70 साल में कांग्रेस नहीं बना पाई, योगी जी ने बनाया है। और जो ये बुलडोजर मॉडल है, मैं कहता हूँ ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि थोपने की कोशिश की जा रही है कि एक पक्षी जो हो रही है इस पे कार्रवाई हो रही है, मुस्लिम के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अरे फिर अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो त्यागी था यहाँ पे नोएडा में ही, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई ना। आपको उन 3 लोगों का दर्द दिखाई देता है, उन 3,000 लोगों का दर्द नहीं दिखाई देता जिन 100 लोगों को उन्होंने मार दिया, उनके घर में माँ बहन बेटी बेटे क्या थे? सरकार को देखिए एक बात, पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चल रहा है जो कहीं ना कहीं लिप्त हैं, जो कहीं ना कहीं लिप्त हैं गुंडागर्दी में, भ्रष्टाचार में, या किसी ऐसी एक्टिविटी में जिसने कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये डर जरूरी था जो 70 साल में कांग्रेस नहीं बना पाई, योगी जी ने बनाया है। अब देखिए लॉ हमारे कभी ऐसे होते हैं कि कभी जैसे कानपुर की घटना आई वहां पे, पूरा देश उसके लिए शोकोल था वहां पे कि ये चीज नहीं होना चाहिए था। मगर लॉ में इससे पहले भी ये कहूंगा कि लॉ तो काफी हमारे बने हुए हैं, मगर जो नीचे का तंत्र है ना, जो एग्जीक्यूट करने वाला, कहीं ना कहीं गलती उनकी तरफ से रहती है और उन्हीं की गलती की वजह से जो है आम आदमी जो है वो इस तरह की घटना का शिकार होता है। वहां के SDM थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई कि भाई क्यों। लेकिन अगर दूसरे पहलू से देखा जाए, जो वो परिवार था उसको ऑलरेडी पहले भी नोटिस जा चुका था, वो भी अतिक्रमण का ही मामला था, उसको हटाने के लिए, तो वो जल्दबाजी में एक तरह का एक्सीडेंट जो होना, मगर जिसको टाला जा सकता था, ये कहीं ना कहीं जो ग्राउंड के जो अधिकारी थे ये उनकी लापरवाही निकली, क्योंकि वहाँ पुलिस भी थी, पुलिस इतनी सक्षम रहती है कि अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो वो आपातकालीन में वहाँ पे वो सिपाही की तरह काम कर सकती थी और उनको निकाल सकती थी। ये कहीं ना कहीं उनकी नालायकी रही। और जो ये बुलडोजर मॉडल है, मैं कहता हूँ ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि डर जो हमने देखा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कोई भी ऐसी चीज होती है तो आ जाते हैं पत्थर मारने, पब्लिक बसें जला दी जाती हैं, ट्रेनें जला दी जाती हैं, वो कहीं फिर हम बोलेंगे देश में महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। अरे आप जब हम अपनी ही प्रॉपर्टी जलाएंगे फिर हम क्या अपेक्षा करेंगे? सरकार के लिए अतिरिक्त खर्च दे रहे हैं हम नई ट्रेन खरीदनी पड़ेगी, नई बसें खरीदनी पड़ेंगी, तो वो पैसा किसके पास आएगा? सर विपक्ष बोल रहे हैं कि कोर्ट और थाने का क्या काम, जब बुलडोजर के सारा काम कर देगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोर्ट की कार्रवाई जो है वो अपनी है। कोर्ट अगर किसी को लगता है कि मेरे अगेंस्ट कोई गलत फैसला हुआ है या मेरा घर गलत गिराया गया है, तो वो कोर्ट के माध्यम से पूरा उसमें अपना ले सकता है और क्लेम कर सकता है, वहां पे सरकार से उसका क्लेम मुआवजा मिल सकता है उनको। और ये मुझे नहीं लगता कोई ऐसी घटना हुई होगी कि बिना किसी वजह से या कुछ ऐसा किसी का घर गिराया गया हो। सॉलिड जब एविडेंस आते हैं, इसमें भी पूरी प्रॉपर चेकिंग होती है कि कौन इसमें, जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब आपके सामने हो, कागजी और सब फोटोग्राफ मिलते हैं, पत्थरबाजी हुई थी उन्हीं के ऊपर चलाया गया है। इवन कि इसमें ये आप मत, एक मैं नया नरेटिव ये देख रहा हूँ, थोपने की कोशिश की जा रही है कि एक पक्षी जो हो रही है इस पे कार्रवाई हो रही है, मुस्लिम के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अरे फिर अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो त्यागी था यहाँ पे नोएडा में ही, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई। कई ऐसे वहाँ पे हिंदू लोग थे जो कहीं ना कहीं गैंगस्टर थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। तो ये कहना कि नहीं, इसके लिए देखिए गुंडागर्दी से मुस्लिम समाज भी जूझता है, सिख समाज भी जूझेगा, कोई भी अगर कोई असामाजिक तत्व है, कोई जो मानसिकता रखता है क्राइम वाली, उसके लिए
लड़की जा रही है तो वो लड़की है, वो हिंदू की लड़की नहीं है, वो मुसलमान की लड़की नहीं। अगर उसको क्राइम करना है तो वो उसको उठाएगा, अगर उसको चोरी करनी है वो उससे चोरी करेगा। कोई बुजुर्ग जा रहा है उसके साथ ऐसी चीज हो सकती है। तो ऐसा डर जो है ये सबके मन में होना चाहिए। सिर्फ बुलडोजर मॉडल कहेंगे कि सिर्फ हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सबके लिए, सबको डर होना चाहिए। और पब्लिक प्रॉपर्टी, जिस दिन आम आदमी जो है ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको अपनी प्रॉपर्टी समझने लगेगा तो ये पत्थरबाजी भी बंद हो जाएगा, पत्थरबाजी भी बंद हो जाएगी और इसके प्रति प्यार भी जागेगा। जैसे आप अपने मकान के लिए रो रहे हैं ना, वैसे ही आपको आप पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए भी आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा सवाल होगा सर, यूपी सरकार में जो है हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, कांग्रेस और अखिलेश यादव का कहना है? देखिए ये वही लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने कोटा उम्र जो है सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है और सिर्फ एक विशेष समुदाय को एक्स्ट्रा। सर हम नाम ले सकते विशेष समुदाय? मुस्लिम समाज में सीधे बोलता हूँ, इसमें कोई चीज नहीं है। ये अतीक अहमद किसने पाला हुआ है, अंसारी किसने पाला हुआ है, किसकी दौरान में ये मंत्री एमएलए रहे, किसकी सरकार में, इन्हीं की सरकार में। आज ये ललकारते हैं, जैसे एक चोर जो है वो इतराता है कि मेरी चोरी क्यों नहीं पकड़ रहे आप, समझ आई? ये उनको बोल रहे थे कि आपने उन पे कार्रवाई की नहीं। जब जोगी जी कार्रवाई करते हैं तो ये पक्षपात तुष्टिकरण की राजनीति की, भाई भाई मुस्लिम के ऊपर हो रही है, फलाना हो रहा है, नहीं ये आप बंद करनी पड़ेगी, तभी तो इनका पतन कहाँ हो रहा है। आज जो है ये देखिए, जब आप किसी प्रदेश की तरक्की का सवाल उठता है, 33 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर उत्तर प्रदेश में होने जा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को भी अपना पॉजिटिव रवैया रखना पड़ेगा योगी जी ने। ठीक है, राजनीति आपको करना है, आप राजनीतिक पार्टी से वो अलग बात है, आप उस पर जो चीज़ें नहीं हो रही उस पर क्रिटिसाइज करिए उनको, लेकिन जो चीज़ अच्छी है जिनकी वजह से आज बुलडोजर मॉडल की वजह से ही मैं कहूँ तो 33 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे पॉसिबल हो पाई है। ये मॉडल जो है अब कहीं ना कहीं बिहार में को भी अपनाने की जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि बिहार का युवा जो है आज पिट रहा है, कई राज्यों में जाकर पिट रहा है। आज जब आपका बिहार का युवा अपने राज्य में ही भी अगर वो रोजगार पा लेता है तो उनको दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। गुंडागर्दी जो बिहार एक टाइम पे बहुत बुरा बदनाम हो चुका था, गुंडागर्दी मतलब जो लोग जाने से कतराते थे, जो वहाँ के आईपीएस आईएएस निकलते हैं वो बिहार में सेटल होना नहीं चाहते, ये दुर्भाग्य है बिहार का। आप समझिए जो पूरे देश को चला रहे हैं आज, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जितने भी हैं, आईएएस ऑफिसर है, आईएएस आईपीएस जितने भी हैं, वो कहाँ से है, मैक्सिमम कहाँ से आपको दिखेंगे, बिहार से दिखेंगे, यूपी बिहार से दिखेंगे, मगर ये वहाँ पे सेटल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, बताओ आपको, क्योंकि उनको पता है गुंडागर्दी है, हमसे फिरौती मांगी जाएगी, हमें जान को खतरा है, प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो वहाँ जाते तो हैं, पोस्टिंग जाते हैं मगर डर डर कर। तो ये जंगल राज कहीं ना कहीं पहले खत्म हुआ था, मगर आज दोबारा जब सत्ता परिवर्तन हुआ है वैसा ही हाल दिख रहा है, पत्रकारों पे हमले, इंडस्ट्रीज पे हमले, बिजनेसमैन के ऊपर हमले, आम आदमियों के ऊपर रेप जो शुरू हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों के साथ गुजरे दोनों। तो ये कहीं ना कहीं अब बिहार की जनता और युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि बुलडोजर मॉडल जैसा कोई नेता उनको चुनना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं, लेकिन उनको अपना हित जातिवाद जो जाति जनगणना करवा रहे हैं, योगी टाइप का मॉडल वहां पे चाहिए आपको, क्योंकि उन्होंने उत्तम प्रदेश बना लिया, गुंडा प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना लिया उन्होंने। अब बारी बिहार की है, छत्तीसगढ़ की है, झारखंड की है, पश्चिम बंगाल की है, कि किस तरफ आपको जाना है। और अगर आपको भाजपा में विकल्प दिखता है तो भाजपा को चुनिए वहाँ पे। जिसका विकल्प बिखरा हुआ है तो मुझे नहीं लगता, हालांकि होना चाहिए हम लोग मोदी जी के मुहाली में, लेकिन लगता नहीं कि बताओ क्यों सर राहुल गांधी यात्रा करके आए वापस प्रदेश में से? अभी कांग्रेस तब तक नहीं पहुंची है, उनकी यात्रा से फायदा जरूर हुआ है कांग्रेस को, लेकिन अभी कांग्रेस के ऊपर नहीं पहुंची है कि अपने मुद्दे पे सरकार बना। और यूपी में सर बुलडोजर भी चल रहा है, क्या सही लग रहा है? नहीं बिल्कुल गलत, वो तालिबान राज है, फिर आपको कोर्ट बंद कर देना चाहिए, थाने बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, तो इसका क्या उपाय होना चाहिए, किस तरह से समाधान? पूरी भाजपा जो है शेड्यूल कास्ट के ऊपर हुकूमत कर रही है, हिमायत देगा, जब तक वो नहीं जागेगा, जब तक वो अपने साथ होने वाले दुश्मनों को नहीं समझेगा तब तक बीजेपी नहीं करेगी। मतलब बुलडोजर चलना गलत है? बिल्कुल गलत। आपके हिसाब से बुलडोजर चलने की सही है या नहीं है? गलत है चलना, गलत आदमियों पे
भाई उन्होंने गलत प्रॉपर्टी बनाई है, इलीगल प्रॉपर्टीज है, उन पे तो चलाना पड़ेगा ना। अब एक एक पत्थर तो कोई मजदूर तो नहीं लगा सकते ना कि एक महीने तक उसको तोड़ते रहे, बुलडोजर एक बार में उतार देता है, उतार रहे हैं, कहाँ दिक्कत है। बात बताइए, अतीक अहमद गरीब है, अतीक अहमद गरीब है, उसके बुर्के गरीब है, कौन गरीब है? मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने बोला उसका जवाब आपसे कह रहा हूँ, गरीब अमीर का मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसका फैसला कोर्ट करेगा या सरकार करेगी? अब मैं जवाब देता हूँ, मैंने बार बार अभी भ्रष्टाचार में बात कर दी है तो ऐसा लगता है अभी चार भाई, चार आदमी जो है, चार भाई एक घर में रहते हैं, उसमें एक भाई आपराधिक प्रवृत्ति का है, होता है वो, उसने कुछ जुर्म किया, आपने वो घर गिरा दिया, ठीक, तो तीन है उनका क्या गुनाह है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं बताता हूँ, दूसरी बात, कल को अगर कोर्ट ने उन्हें बरे कर दिया कि नहीं इन्होंने जुर्म नहीं किया है, तो उनका घर कहाँ से लाके देंगे? सुनिए सर, सबसे पहली चीज, जिन प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चलाया जा रहा है वो इलीगल है, आप ये मत, उनका अलग प्रूफ है कि वो इलीगल है, ठीक है, तो इलीगल प्रॉपर्टीज पे चलाया जा रहा है। दूसरा, आपराधिक प्रवृत्ति का होना, एक सेकंड भाई, आपराधिक प्रवृत्ति का आना, आपको उन तीन लोगों का दर्द दिखाई देता है, उन 3,000 लोगों का दर्द नहीं दिखाई देता जिन 100 लोगों को उन्होंने मार दिया, उनके घर में माँ बहन बेटी वो बेटे क्या थे, उनकी पुस्ते आज है जो गरीबी में जी रही है, कमाऊ टूटों को मार दिया, आपको वो नहीं दिखाई देते, आपको वो एक दिखाई दे रहा है जो आपको सेट हो रहा है, आपको वो 3,000 क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वो 3,000 ज्यादा जरूरी है, उनके साथ इंसाफ जरूरी है, वो तीन लोगों के साथ, वो तीन लोगों के पे दया जरूरी है, ताकि वहां से एक और स्मगलर निकल जाए, एक और अपराधी निकल जाए और वो 50 अपराधियों को पैदा कर दे सर। और दूसरी चीज, ये एक लेसन है कि आप अपराधी पैदा ना हो, जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही पैदा होंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे और ऐसे ही गरीबों को मारेंगे, गरीब का नहीं, गरीब मार, गरीबों को मारने वालों का, उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को मारने वालों का, उनका घर ढाया जा रहा है, उन लोगों को 3-3 साल से नोटिस दिए गए थे कि आपका घर इलीगल है, सुरक्षा सही नहीं है, उनकी औकात देखो, उन्होंने एक जवाब नहीं दिया, उसके लिए उनको उनके वहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखो ऐसा है, भाई साहब ने बोला कि लेसन मिल रहा है, लेसन मिल रहा है, कानपुर में जो उन्होंने बोला कि माँ बेटी, ब्राह्मण माँ बेटियों को जला दिया गया, वो लॉ एंड ऑर्डर पे गई थी, डीएम डांस कर रही थी, ठीक है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको ये बोला जा रहा था कि पंडित पंडित भगवान को, पंडितों को ये बोला जा रहा था, पता है आपको, जब उनका लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं आया, जब उनका बुलडोजर काम नहीं आया, यूपी के अंदर बेरोजगारी क्यों कह रहा, पता है आपको, बुलडोजर करा रहे हो, लोगों का आधार काम नहीं करा रहे हो। मैं जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ, मेरे राजस्थान से हुए, वहाँ कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आती है, बेरोजगारी कहाँ नहीं हो रही है, मैं ये नहीं बोलता बेरोजगारी नहीं है, सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी क्यों है, आप में अगर काबिलियत नहीं है तो आप रोज बताइए सर, इनके लिए बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरी, आप बेरोजगार हो क्या, यहाँ घूम रहे हो, दो प्राइवेट नौकरी, आप जाके अप्लाई करो, आपको नहीं मिल रही तो आप में कमी होगी, आज इनमें टैलेंट है तो ये यहाँ काम कर रहे हैं, टैलेंट भी चाहिए भाई साहब, बेरोजगारी में टैलेंट चाहिए, आज ये भी तो काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है भाई साहब, मानसिकता खुद को बदलनी पड़ेगी कि हमें आता क्या है जिसके भी आप हमें नौकरी मिले, पकौड़े तल के बेरोजगार ले सकते हैं, एक सेकंड मुझे एक बात बताइए, कितने लोग पकौड़े तल रहे हैं और पकौड़े तल के कोई कमा रहा है ना साहब, तो सोचो वो कमा रहा है, और पकौड़े आप, हम लोग तो फिर भी पकौड़े कम खाते हैं, आज के युवा है तेल में सोच के, आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी में जितने पकौड़े खाए ना, मतलब वैसे तो भाई साहब कितना बड़ा व्यापार था, एक बार पकौड़ा बेचना कितना बड़ा व्यापार था आपके समय में, बताओ, उसका घर नहीं, उस टाइम में घर भी नहीं, खानदान हुआ करते थे, परिवार और खानदान में फर्क क्या होता है, आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है, संयुक्त परिवार, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, उस टाइम में 5-5 भाई साथ जाया करते थे और वो पकौड़े से भी घर चला लेते थे, बात ये नहीं है पकौड़ा बेच के घर चलाओ, बहुत काम है, सीखो, करो, अपनी काबिलियत से करो, लेकिन इनको एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्होंने तो देखा है पकौड़ों से 50-50 लोगों के परिवार चल जाते थे, चला जाए तालिबान में और हमारी चुनी हुई सरकार में क्या,
अगर फैसले इस तरह होंगे तो फिर तालिबानों में और हमारी सरकार में फर्क क्या रहेगा? फिर थाना कोर्ट कचहरी पर कम काम हो जाएगा? नहीं, काम कम नहीं होगा, बल्कि फिर इनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। या संवैधानिक है या नहीं है? अब इन्होंने ये कहा, मैं अब दो मिनट आपने अभी ये कहा कि वो उन घरों के लिए प्रूफ है कि ये नाजायज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर मैं रामपुर में रहता हूँ, अगर आप सर्वे कराएंगे तो 95% घरों के नक्शे नहीं है, पुराने बने चला रहा है। अब मेरे को उससे आप मुखालिफ हुए, आपने कहा इनका घर का नक्शा नहीं है। मेरे आसपास जो 50 मकान हो रहे हैं उनके भी नहीं है, गिराया आपने मेरा मकान। ठीक, तो मैं ये सच्चाई है सर, सच्चाई पुराने बने हुए मकान है। मेरा मकान जो है 80 साल पुराना है, बना उसका नक्शा कहाँ से होगा? और इतने सही है सब मकान हमारे घर में, छोटा शहर है हमारा, ये तो कोई दलील नहीं हुई। मेरा मतलब ये है कि सख्त कानून बनाना चाहिए, उनका पालन होना चाहिए। और यकीनन अगर मैंने गलत किया है, अगर मैंने गलत सजा दे, लेकिन अदालत दे। योगी जी के ऊपर तो खुद 12 मुकदमे थे, योगी जी तो वापिस लिए हैं, वो तो पहला बुलडोजर उनमें होना चाहिए। जी सर, योगी जी की अलग बात है, सीएम पद पर अलग बात है, लेकिन सर जो अभी चल रहा बुलडोजर उसके खिलाफ जो वो गलत है सर। अब जवाब इन्होंने तालिबान की बात की, तो सर तालिबान में ना अपराध करने वाले के खिलाफ सरकार काम नहीं करती। सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है ना, उनके खिलाफ काम करती है। और सरकार नहीं, उनके जाहिल पने के जो नियम है उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उनके खिलाफ चलती है। अब दूसरा जवाब, तालिबान और यहां में फर्क आपने खुद बताया कि मेरा घर है 80 साल पुराना, मेरे वहां 50 घर है जो बिना नक्शे के है। क्या उन 50 को गिराया गया? नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल साधारण इंसान के जो अपना जीवन व्यसन कर रहे हैं, उनके घर नहीं गिराए गए। जो अपराधी थे जिन्होंने गलत किया उन्हीं के गिराए। तो आपने खुद जवाब दिया कि तालिबान नहीं है, यही जवाब है आपकी बात का। आप अपनी बात का जवाब खुद दे रहे हो। और यही संविधान है कि हमें भी पता है 80 साल पुराने घर का नक्शा नहीं मिल सकता। कौन सा अतीक अहमद 80 साल का हुआ नहीं, उसका कौन सा घर 80 साल का निकलेगा साहब? 5 साल पुराना घर गिराया है उसका, आप कहाँ से 80 साल से कंपेयर कर रहे हो? आप जवाब दीजिए। पहली बात तो आप अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम अतीक अहमद का 1% भी सपोर्ट कर रहे हैं। अतीक अहमद का नाम बार बार क्यों ले रहा हूँ? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर देखिए अतीक अहमद था, और आप बिल्कुल हिंदू मुसलमान दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अतीक अहमद जब जुल्म करेगा तो ये नहीं देखेगा इसका नाम महेश है या मोहसिन है। नहीं, उसका लाभ उसे पता है मोहसिन खान है, लेकिन उसको फायदा है वो मेरा सफाया कर देगा, वो सिर्फ महेश का नहीं करेगा, उसने किए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, देखिए मेरी आपकी सोच पर, सारे फैसले अदालत के थ्रू होंगे तो यहाँ संविधान बचा रहेगा। आज ये कर रहे हैं, कोई सरकार हमेशा के लिए नहीं आती है। आप लोगों की सोच गलत है कि मोदी है तो मोदी ही होंगे। अब 72 साल तक किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस की सरकार जाएगी। आज क्या पोजीशन है कांग्रेस की? तो सरकारें आती जाती रहती है भाई। कल को फिर जब ये अपोजिशन में होंगे, मान लीजिए अखिलेश आते हैं, तो वो इन लोगों के साथ ऐसा करेंगे, उससे क्या फायदा होगा? फिर हम कहाँ जाएंगे? हम लोग किस तरह नुकसान जनता का? मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ सर कि पहली चीज, पहला तो जवाब अखिलेश वाले बात का कि अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएगा तो लाने वाला कौन? योगी को लाने वाला कौन? जनता। तो क्या अखिलेश को जनता ले आएगी? पहला हमें डिसीजन लेना है कि क्या हम उनको ले आएंगे। पहला जवाब तो ये है। अब दूसरा जवाब कि बोल रहे हैं कि संविधान कहाँ है? उनको फांसी पे नहीं लटकाया है योगी ने, उन्होंने जो अपराध किए उनका फैसला कोर्ट करेगा, ये सबको पता है। और जो घर गिराया गया या जिसकी बोल रहे हैं उसका अमेंडमेंट किया है योगी ने, वहाँ के कानून है कि अगर इलीगल होगा तो उसको दहाया जाएगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राम प्रजापति, मैं कवि और गीतकार हूँ। जी बताइए सर, मेरा सवाल ये है कि 2024 में चुनाव है, कौन सी पार्टी की रुझान लग रही है सर? ऐसा इस बार तो अभी और आने वाले 1 साल का समय बिल्कुल बहुत ही कम बचा है, तो देश में जो बाहर बह रही है वो तो मोदी जी की बह रही है, क्योंकि सबसे बड़ा बात है जो राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं, तो चाहे उनकी जो विदेश नीति हो, इन्होंने जो देश के लिए जो काम किया पूरी दुनिया में आज भारत का नाम हो रहा है। हमने देखा है कि पहले हमारे देश को लेवल क्या था और आज हमारे देश का लेवल क्या हो गया है। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ चुका है ऐसा, बेरोजगारी और महंगाई तो ये तो विषय हमेशा रहेंगे और थे पहले, इन पे धीमे धीमे काम हो रहा है, यही मिटाने आए थे बीजेपी। ऐसे काफी कुछ कर दिया है ना, क्या नहीं किया? आप देख लो मुद्रा योजना देख लो कितना बड़ा काम चल रहा है, आप चाहे अंत्योदय योजना देख लो, गरीबों को उसके लिए प्रति व्यक्ति गेहूँ मिल रहा है, आप किसानों के लिए 6000
रुपए पर ईयर मिल रहे है ना, चाहे आप मतलब हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है। एक योजना निकाली है, कौन सी योजना? अमीरों को अमीर करना, गरीबों को गरीब करना, अड़ानी बनाना और गरीब को गरीब। हम कोई वामपंथी राष्ट्र में मतलब एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है ना, उसमें बिलोंग नहीं करते। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ हक है। यदि आप बड़े हो तो आप बड़े बनिए, आप यदि कुछ काम कर सकते हो आप काम करिए, आप यदि कुछ करने नहीं करना नहीं चाहते, अपने आप गरीब रहना चाहते आप रहिए, ऐसा थोड़ी आप कुछ काम ना करो और आपको पैसा मिलता रहे। ऐसे पकौड़ा तलने कौन सी बेकार की बात है भाई, वो भी इंसान ही करता है। अगर क्यों रोजगार नहीं है, क्यों रोजगार नहीं भैया? मैं बीबीए करा हुआ ग्रेजुएशन आज जी, तो मैं पकौड़ा तलूंगा या कहीं कंपनी में अच्छी सी पोस्ट पर जॉब करूंगा। ऐसा है कि आप इस दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना, हर काम बड़ा होता है, केवल उस काम में नियत होना चाहिए। पूरे मन से कोई भी काम करो ना, आप बढ़िया से झाड़ू मिलाओ, उसमें भी आप एफर्ट बन सकते हैं। माँ बाप या दलित या पिछड़ा या है कोई भी किसी भी जाति से बिलोंग करने वाला आदमी होगा, उसके माँ बाप पढ़ाएंगे, कहीं पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, वो पढ़ लेंगे, 10-12 लाख रुपए खर्च करेगा, पकौड़ा तलने के लिए खर्च करेंगे वो, या कहीं नौकरी पर पाने के लिए खर्च। ऐसा है कि आपको तो अपना खुद का वो है, आप शुरू से कोई बिजनेस में अपना ध्यान लगाइए, कोई स्किल डेवलप करिए, साथ ही साथ पढ़ाई करिए, क्या दिक्कत है? मोदी जी भाई साहब देखो, देश के पास उतनी नौकरियां हैं ना, उनकी कोई कैपेसिटी होती है, कोई भी सरकार आए, कोई भी पार्टी सरकार हो, वो अपने लेवल पे नौकरी दे सकती है, अपने लेवल पे। प्राइवेट सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ वो आप बताइएगा। मोदी जी ने जब सत्ता में आने से पहले 2013 में बोला था 2 करोड़ रोजगार आएगा, 4 करोड़ आ रहा है। मोदी जी ने बोला था 15 लाख खाते में आएगा, 30 लाख आ रहा है। मोदी जी ने बोला था 65 रुपए की जो पेट्रोल मिल रही है वो 40 की मिलेगी, मिल रही है 35 रुपए की मिल रही है। ऐसा है कि देखो, सबसे बड़ी हमारे लिए तो फिर मोदी जी के वो डायलॉग याद होते हैं ना, 15 लाख की बात थी वो अमित शाह जी ने पहले बोल दिया। कभी कभी मतलब जोश में ऐसी बात बोल दी जाती है, ऐसा मतलब नहीं कि 15 लाख आपको आएंगे, लेकिन आपके लिए देखो आप देश की सीमा पर कितना अच्छा काम हो रहा है, आज देश की सेना देखो उसका मान सम्मान कितना बड़ा है, और आप देख लो कितनी बाहर की कंपनियां भारत में आ रही है, कोई छोटी बात नहीं है। पहले मान सम्मान नहीं था, हाँ हमने देखा था पाकिस्तानी सैनिक आते थे, हर सैनिक का नारा 2014 के बाद राम जी याद आए, उससे पहले राम जी नहीं थे भाई साहब। राम जी एक सिंबल है, बीजेपी ने सिखाया है, जय श्री राम, जय श्री राम बीजेपी ने सिखाया, ईमानदारी का, सच्चाई का, एक सच्चाई के मार्ग पर कोई भी चले उसके लिए जय श्री राम जिंदाबाद है, जय श्री राम है। कर्नाटक में अभी एक बीजेपी के मंत्री के एमएलए के बेटे पे 8 करोड़ रुपए रिश्वत की बात आई है, अब वो जेल से बाहर चला गया, घूम रहा है। मनीष सिसोदिया ने 18 लाख बच्चों को भविष्य बनाया, गरीब बच्चों को भविष्य बनाया, उसको तुम जेल में डालोगे, ये खाना देने देश के लिए। ऐसा कि कर्नाटक बीजेपी के प्रचार में तुम जुट जाओगे, हेलो हेलो, हमारे बच्चे को शर्म करेंगे। मनीष सिसोदिया की बात बोल देता हूँ, मनीष सिसोदिया आइए, मनीष सिसोदिया जी ने शराब नई शराब नीति लाए थे ना, उसमें कितने करोड़ का घोटाला किया, 100 करोड़ का घोटाला किया है। आज देख रहा है हमने, देखो जेल के उसमें कोठरी में है ना, रुक जाओ कम से कम आने वाले टाइम में, देखो वहाँ पर उनको रहना ही है, जो देश के साथ गद्दारी करेगा। देखो उन्होंने आए थे तो शराब के विरोध के नाम पे आए थे, लेकिन आकर शराब का सपोर्ट किया है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे, लेकिन आके उन्होंने भ्रष्टाचार किया। सर मैं आपसे पूछूं, 24 लाख के मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी होनी चाहिए, ठीक है, भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार होना चाहिए। एक बार बताइए, इस मेघालय में अभी चुनाव हो रहे थे, एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा आपको भ्रष्टाचार को लेकर, भाई साहब बोले भ्रष्टाचार कर दिया मनीष सिसोदिया ने। अमित शाह जी अभी इलेक्शन में क्या बोला कि अगर हमारी सरकार बन जाती है, जो अभी ऑपोजिशन पार्टी थी अभी जिनसे अलायंस कराया, तो उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, महा घोटाला कराया, आज उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे ये लोग। अटल बिहारी वाजपेयी थे बीजेपी में, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने बोला था अगर एक एमएलए भी अगर मैं चिमटे से उठाने का सुझाव निकालूंगा, वही देखो बीजेपी और अमित शाह कहां जा रहे हैं। ऐसा है कि आप तो कोई भी आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, देश की जनता देख रही है ना, अच्छा काम करो, उसको रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, आप देख रहे हो 24 में कितना अच्छा और रिजल्ट मिलने वाला है, रिजल्ट मिल रहा है ना, जो देश के लिए काम कर रहे हैं सरकार पर, ऐसा है ना, देश की जनता जाग चुकी है। 2 लाइन में बोलना चाहूंगा, यदि इन लोगों से हम आज जगह नहीं ना, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, धर्म के नाम पर बांट रहे हैं और जाति के नाम पर बांट रहे हैं, उनके लिए 2 लाइन मिल रही, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगह नहीं
नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। मित्र हम आपका और हमारा कर्तव्य, हम तो एक कॉमन नागरिक हैं इस देश के, हम सभी का एक कर्तव्य है जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, है तो देश की पार्टी है, अपने ही लोग हैं, अपने घर के ही लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट करें, जो देश कुछ कामों से भटक रहे उनको समझाएं कि भैया आप अच्छी पॉजिटिव राजनीति करो, उस पर हम सभी का ध्यान होना चाहिए। भाई साहब ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि जगह नहीं है लोग, जगह नहीं है लोग, कितने जगेंगे, LIC देख दिया, रेलवे कर्मी रख दिया, अडानी का 10 लाख रुपए लाइट ऑफ कर दिया, गरीब का जनता का पैसा बाहर भेजा जा रहा है, ये तुम भले, ये तुम जाग रहे हो देश में।